नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अफोर्डेबल बास्केट्स एंड ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली लास्ट वीक ही मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स एंड बास्केट्स मंगाए थे, उसमें से एक दो तो मैंने किसी व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था। तो इन ऑर्गेनाइज़र से ना हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि हम सभी को पता है जो कि घर पे कपड़े होते हैं उनका कितना काम बढ़ जाता है, क्लटर कितना लगता है अगर हम उनको तरीके से ना रखें। क्योंकि जो रेगुलर कपड़ों का काम होता है वो आसान नहीं होता है, धोने से लेकर सुखाने से लेकर फोल्ड करने से लेकर आयरन करने से लेकर। तो उन्हीं चीज़ों को अगर हम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं ना, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, ये सेट ऑफ दो बॉक्स मैंने मंगाए हैं। और इस वीडियो में आप जो भी सारे ऑर्गेनाइजर्स देखोगे ना, सारे ही फोल्डेबल मैंने मंगाए हैं, ताकि कभी मैं इसको यूज़ भी ना करूँ तो आसानी से इसको फोल्ड कर मैं कहीं पर भी रख सकती हूँ। और सारे ही मैंने मीशो से ही मंगाए हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर रीजनेबल और अफोर्डेबल लगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले ये बड़ा सा बॉक्स, एक्चुअली पिक्चर में बहुत ज़्यादा छोटा बॉक्स दिख रहा था, लेकिन जब रिसीव हुआ तो अच्छा खासा साइज में मुझे रिसीव हुआ है। और इनकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे अच्छी ही लगी, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो है 268 रुपीज़ में मुझे सेम बॉक्स दो मिले थे, यानी सेट ऑफ दो बॉक्स मिले हैं। तो ये जो बॉक्स है इतना बड़ा साइज़ का है कि आप इसमें आराम से बेडशीट्स रख सकते हैं, अपने कपड़े रख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चार डबल बेडशीट्स रखी है और एक सिंगल बेडशीट रखी है, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और रखने के लिए। तो इस तरह से बॉक्सेस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके कपड़े आ जाते हैं, और साथ ही साथ इसको लेने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है जब आप अपने कपड़ों को फोल्ड कर इस तरह से बॉक्स में रखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉक्स रखा है, फिर भी बहुत ज़्यादा स्पेस हमें मिल जाता है। तो मेरी अलमीरा में ये बिल्कुल ही परफेक्ट आ गए थे दो बॉक्स, और इसमें बहुत सारे कपड़े भी आ गए थे। तो मुझे 268 रुपीज़ में दो बॉक्स बहुत ही वर्थ लगा। आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट भी मैंने एक लॉन्ड्री बास्केट मंगाया था बॉक्स की तरह, अगेन सेम ये भी प्रोडक्ट फोल्डेबल है। एंड इस लॉन्ड्री बास्केट की जो साइज़ है वो भी अच्छी खासी बड़ी थी, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो अंदर जो इसका मटेरियल दिया है वो भी बहुत ज़्यादा स्टडी और अच्छा खासा मुझे रिसीव हुआ था। तो इस बास्केट का जो प्राइस है वो है 241 रुपीज़, और 241 रुपीज़ में आपको अच्छा खासा बड़ा साइज़ का लॉन्ड्री बास्केट मिल जाता है। इसमें आप चाहो तो लॉन्ड्री के सारे कपड़े धोने वाले कपड़े डाल सकते हो, या फिर आप एज ए स्टोरेज बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने बच्चों के टॉयज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पिलोस रख कर दिखा रही हूँ, जिससे आपको साइज़ का भी पता चल जाएगा। और कई बार हमारे घर पर एक्स्ट्रा पिलोस भी होते हैं, उसको भी आप अंदर रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, दो पिलो रखने के बाद बावजूद भी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि 241 रुपीज़ में आपको बहुत ही बेस्ट स्टोरेज बॉक्स की तरह एक लॉन्ड्री बास्केट मिल जाता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैंने एक हैंगिंग शेल्फ मंगाया है वार्डरोब के लिए। एक्चुअली मेरे पास एक कबर्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा कम शेल्फ दिए गए हैं, और बहुत सी जो स्पेस होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो इसको भी आपने मीशो में कई बार देखा ही होगा, और इसका प्राइस है वो है 248 रुपीज़ में। तो अगेन 248 रुपीज़ में मुझे बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। इसका कलर भी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीटी लगा मुझे। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये कबर्ड देख सकते हो, यहाँ पे ये जो स्पेस है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, और कई बार मैं चीज़ों को अच्छे से रख नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शेल्फ नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, हैंगिंग शेल्फ है, ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से जो हैंगिंग शेल्फ से सारी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेगी, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा बिखरे हुए नहीं लगेंगे, और इसको हैंग करने के बाद भी साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाती है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनके कपड़े आप रखना चाहते हो, उनकी सारी चीज़ें रखना चाहते हो, तो इस तरीके का शेल्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है, जिससे आपका जो कबर्ड है बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। तो 248 रुपीज़ में अगेन मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यह प्रोडक्ट, एंड अगेन ये भी फोल्डेबल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे मैंने किसी व्लॉग में भी शेयर किया हुआ है, लेकिन अगेन मैं ये अलग से वीडियो बना रही हूँ सारे ऑर्गेनाइज़र एंड स्टोरेज के लिए, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ये वीडियो हेल्पफुल हो अगर आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने ये तीन सेट ऑफ अलग कलर के छोटे छोटे बास्केट्स मंगाए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, स्पेशली इनका जो कलर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऊपर की तरफ एक वायर दिया अटैच किया हुआ है, जिससे आपको अच्छा सा रेक्टेंगुलर शेप मिल जाता है।
तो ये जो छोटे छोटे बास्केट्स है मल्टीपर्पज़ है, आप चाहो तो किचन टॉवल्स वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड स्पेशली इनके जो कलर है ना वो ही इतने ज़्यादा प्रिटी है, आप अगर कहीं पे रखोगे तो भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। तो इसके कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्लस ये वॉशेबल भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अगेन स्टोरेज बॉक्स की तरह है, लिड के साथ आता है। एंड यहाँ पे दो सेट ऑफ बॉक्स मुझे मिले थे, तो जब मैंने परचेस किया था तो इसका प्राइस 250 के ऊपर था, लेकिन जब ये अभी चेक कर रही हूँ तो इसका प्राइस सिर्फ 248 रुपीज़ में आपको दो सेट ऑफ बॉक्स मिल रहे हैं। तो बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्टडी बॉक्स है। एंड इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, जिसे आप एक स्टोरेज बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ हमें एक छोटा सा बॉक्स भी रिसीव होता है, जिसमें आप छोटी छोटी रेगुलर बेसिस चीज़ें होती हैं जो कि बिखर जाती हैं कई बार, वो चीज़ें अंदर रख सकते हो। तो कई बार बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा जो अच्छे कपड़े होते हैं, न्यू ड्रेसेस होते हैं, ट्रेडिशनल वेयर वगैरह पहनने में नहीं आते हैं, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे ऐसी जो ड्रेसेस रेगुलर पहनने में नहीं आती है वो मैंने इस तरह के बॉक्स में स्टोर कर रखी हुई है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र और स्टोरेज बॉक्स मंगाकर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दी है। एंड बिलीव नहीं, बहुत ज़्यादा जो क्लटर और बिखेरा लगता था वार्डरोब में या कपबोर्ड्स में वगैरह, तो वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो यहाँ पे जो भी स्टोरेज बास्केट्स या लॉन्ड्री बास्केट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सभी की क्वालिटी मुझे जो अच्छी लगी वही मैंने आपके साथ शेयर की है। और जो कुछ मैंने मंगाया था जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिली थी उसको मैंने जब ही रिटर्न कर दिया था। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। आगे से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।